हे गाइस, तो कैसे हो यार। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मेरे पास काफी सारे टमाटर हैं। इन टमाटर की मदद से मैं बनाने वाला हूँ बिगेस्ट पावर प्लांट। जी हाँ गाइस, फ्री इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाला हूँ इन सब की मदद से। और वो किस तरीके से बनेगी, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक और बिना स्किप करे देखते रहना, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि इनकी मदद से फ्री इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से बनती है। ये 2 मिनट का या 3 मिनट का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। इन सब की मदद से मैं बनाने वाला हूँ फ्री पावर प्लांट। जी हाँ गाइस, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप आना इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं और किस तरीके से पावर प्लांट बनता है। चलिए यहाँ पर इस टेबल के ऊपर थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। इन सभी को अभी के लिए थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, ताकि यहाँ पर हम अपना पावर प्लांट लगा सके। तो इन सभी को अभी यहाँ से हटा देते हैं और बाद में धीरे धीरे इनका यूज लेंगे। और किस तरीके से लेंगे वो भी आपको हम पूरा प्रोसेसिंग बताने वाले हैं, कि किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो अभी मैं इनको सबको साइड में हटाता हूँ। तो फाइनली यहां पर हमने पूरा का पूरा स्पेस बना लिया है। यहां पर हम अपना पूरा सेटअप लगाते हैं। तो यहां पर मैं इन टमाटर को कुछ इस तरीके से रखने वाला हूं। दोनों को दो दो भागों के अंदर हमें बांटना होगा, बराबर बराबर। तो यहां पर मैंने इतने इतने टमाटर ले लिए। अब इनको क्या करना है, हमें दो भागों में बांटना है। आधे मैंने इधर रख दिए और आधे मैंने इधर रख दिए। और मुझे अब चाहिए इनके अंदर डालने के लिए कुछ धारदार चीजें। उसके लिए मैंने यूज में ले लिए यहां पर ये ब्लेड्स। यहां पर मैंने इतनी सारी ब्लेड्स ले लिए। अब मुझे क्या करना है, टमाटर को कुछ इस तरीके से ज्वाइंट करना है। यहाँ पे देखिए, इनको कुछ इस तरीके से ज्वाइंट करना है। इसमें मैंने इसको डाल दिया कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर मुझे दूसरे को ज्वाइंट करना होगा कुछ इस तरीके से। पूरा का पूरा अंदर डाल देंगे। यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया और दूसरे को भी कुछ इस तरीके से हमें इसको रखना होगा। वो तीसरी जो ब्लेड है उसको हमें सीधे ही यहाँ पर डालना होगा इसके अंदर। इसको भी धीरे धीरे नीचे भेज देंगे कुछ यहाँ पर। और उसके बाद हमें ज्वाइंट करना होगा तीसरे को कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे तीसरी ब्लेड और उसको भी हमें कुछ इस तरीके से ज्वाइंट करना है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और उसके बाद उसके आगे के टमाटर को कुछ इस तरीके से लगा देंगे कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारी कुछ एक लंबी सी चेन जो है ना वो बन जाएगी। और उसके आगे हमें एक और ब्लेड लेंगे और उसको भी कुछ इसी तरीके से लगा देंगे कुछ इस तरीके से। वो लग जाएगा। उसके बाद आगे भी कुछ इसी तरीके से हम इसको भी लगा देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद लेंगे हम एक और टमाटर और उसको भी कुछ इसी तरीके से आगे लगा देंगे। तो आप में से काफ़ी लोगों को जो है ना वो समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। उसके बाद हम एक और ब्लेड लेंगे और उसको भी कुछ इसी तरीके से आगे लगा देंगे कुछ इस तरीके से। और उस वाले टमाटर को भी कुछ इस तरीके से डाल देंगे। तो ये हमारी एक चेन जो है ना वो पूरी की पूरी बनके तैयार हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरी की पूरी चेन जो है ना वो तैयार हो चुकी है। ऐसा ही प्रोसेसिंग हमें दूसरे वाले के करना है। तो यहाँ पर इसके अंदर भी हमें वैसा ही सेम प्रोसेसिंग करना है। यहाँ पर एक टमाटर लेना है, उसके अंदर कुछ इस तरीके से डालना है कुछ इस तरीके से। और उसके बाद उसके आगे हमें एक और टमाटर को ज्वाइंट कर देना है। तो कुछ इस तरीके से जो है ना हमारी दोनों की दोनों चेन जो है वो बनके तैयार हो चुके हैं। अब ये बन चुका हमारा पूरा का पूरा एक पावर बैंक। जी हाँ गाइस, अब हमें क्या करना है, बिल्कुल इसकी टेस्टिंग करनी है। इसकी टेस्टिंग के लिए हमने ले लिया यहाँ पर एक आ गया ये रहा कुछ इस तरीके का एक 0 वाट का पूरा बल्ब। तो इसको हम देखते हैं कि ये इसको चला पाता है या फिर नहीं। तो पहले इन पावर बैंक को थोड़े से अच्छे से हम सेट कर देंगे। यहाँ पर ये खुल गया यहाँ से, तो इसको वापस से अटैच कर देते हैं और उसके बाद हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। फाइनली यार, मेरे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करे हुए मुझे 3 दिन हो चुके हैं और 3 दिन के बाद आज मुझे इसका रिजल्ट मिला। जब मैंने सुबह इसको ट्राई किया था ना, तब जो है ना मेरा प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहा था। बट अभी जब मैंने इसको टेस्ट किया था तो ये जो है यकीन मानिए अच्छे से वर्क कर रहा है। जी हाँ गाइस, ये अच्छे से वर्क कर रहा है। जी हाँ, आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा, जब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, तब आपको भी आपकी आंखों पे यकीन नहीं होगा। जी हाँ, तो
तो ये रहा हमारा बल्ब, ये रहा हमारा होल्डर, तो इसके अंदर मैंने प्लस माइनस लगा रखे हैं। तो जैसे ही मैं इनको टच करूंगा ना, उसके बाद देखना, मुझे तो 3 दिन पहले जब यकीन नहीं हुआ था कि हाँ ये वर्क करेगा नहीं करेगा, मैंने तो इसका जो पिछला वाला जो रिकॉर्ड था ना, वो भी मैं आज क्लियर करने वाला था कि ये वर्क नहीं करेगा। अच्छा हुआ मैंने सुबह जो है ना इसको डिलीट नहीं करा, अभी तक मेरे पास है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे एक प्लस वाला लगा दिया, एक माइनस लगा दिया, तो यहाँ पे देखिए यकीन मानिए अच्छे से वर्क कर रहा है। जी हाँ गाइस, जब मैंने 3 दिन पहले स्टार्ट किया था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि यार ये वर्क करेगा नहीं करेगा। बस मैंने स्टार्ट किया, मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा था, उसके अंदर से मुझे लगा कि हाँ बन सकती है नहीं बन सकती, आई डोंट नो, फिर भी मैंने कोशिश की। और यहाँ पे देखिए 3 दिन के बाद हमारा जो रिजल्ट है वो आप लोगों के सामने, पूरा का पूरा अच्छे से वर्क कर रहा है।